हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं होममेड रेमेडी फॉर स्टोमक पेन। तो सबसे पहले मैं जान लेते हैं कि स्टोमक पेन होता क्यों है। मोस्ट कारण मैं आपको मेन कारण जो होते हैं वो बता देती हूँ कि स्टोमक पेन क्यों होता है। स्टोमक पेन होता है अगर हम जंक फूड खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स खाते हैं, तो इससे कि वो पचता नहीं है, इससे हमारा पेट दर्द हो जाता है। और अगर हम कोई खाना हार्ड खाना खाते हैं जो वो पचता नहीं है, उससे भी हमारा पेट दर्द होता है। या अगर हम जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं तो भी हमारा पेट दर्द शुरू हो जाएगा। और अगर हम खाना खाने के तुरंत बाद उछल कूद करना, सीढ़ियाँ चढ़ना, ये सब करने लग जाते हैं तो भी हमारा पेट दर्द शुरू हो जाता है। और बच्चे अगर जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और वो उनको खेलने की जल्दबाजी रहती है और वो जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो फिर उनका पेट दर्द होने लग जाता है। तो पेट दर्द से होने के बाद में अगर हम बाहर मेडिसिन वगैरह लेते हैं, तो अगर हम मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन बहुत नुकसानदायक होती है और बच्चों में मेनली बहुत नुकसान करती है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि आप बच्चों को अपने घर पे जो होम मेड रेमेडी होती है, जो आपकी किचन में होती है, आप सबसे पहले बच्चों को वही दे, क्योंकि एलोपैथी दवाइयाँ ना दे, इससे क्या बच्चों का जो एक प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है, उनको दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो जहाँ तक हो सके आप अपने बच्चों को किचन में जो चीज़ें हैं उन्हीं से उनका इलाज करें सबसे पहले। तो आज मैं सिर्फ आपको बच्चों के पेट दर्द या किसी के भी पेट दर्द के होने में हमें जो किचन में जो सामान होता है उसमें हमें क्या क्या यूज करना चाहिए, बस आज मैं सिर्फ आपको पेट दर्द के बारे में बता रही हूँ कि पेट दर्द होने पे हमें क्या क्या लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक बता रही हूँ कि हरड़ का चूर्ण होता है, उसको आप 3 ग्राम लीजिए और को हल्के गर्म पानी के साथ लीजिए, इससे आपके पेट दर्द में बहुत जल्दी आपको आराम मिल जाएगा। एक और रेमेडी है अजवाइन। अजवाइन जो कि बहुत ही ज़्यादा लोगों को पता रहता है कि पेट दर्द होने पर अजवाइन और उसमें थोड़ा सा कोई भी नमक आप ले लीजिए, थोड़ा सा चुटकी भर नमक लीजिए और उसके बाद में उसको हल्के गर्म पानी के साथ आप ले लीजिए तो आपका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। एक होता है नींबू। नींबू तो सबके घर में होता है, तो आप नींबू के आधा नींबू ले लीजिए और थोड़ा सा सेंधा नमक ले लीजिए और उसको हल्के गर्म पानी के साथ नींबू और सेंधा नमक आधा ग्लास हल्के गर्म पानी में डाल के उसका सेवन कर लीजिए, तो आपका पेट दर्द थोड़ी बहुत देर में ठीक हो जाएगा। आपको खाया पिया जो नहीं पचा है वो इसे धीरे धीरे पचेगा और आपका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। एक होता है तुलसी के पत्तों का रस। तुलसी के पत्तों का रस और अदरक का रस आप 5-5 ग्राम ले लीजिए और उसको हल्के गर्म पानी के साथ लीजिए, तो इससे धीरे धीरे आपका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। और एक होता है जीरा। जीरा भी हमारे खाने को पचाने में हमारी मदद करता है, तो आप 2 ग्राम जीरा लीजिए, उसको पीस लीजिए और उसका उसको शहद के साथ मिलाकर उसको धीरे धीरे करके धीरे धीरे उसको खाएंगे तो, और फिर उसके बाद में आधा गिलास थोड़ा हल्का गर्म पानी आप पियेंगे तो अब धीरे धीरे आपका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। और एक होता है अदरक का रस 5 ग्राम, नींबू का रस 5 ग्राम और 2 ग्राम जीरा, पिसा हुआ जीरा, इन तीनों को मिला लीजिए और हल्का गर्म पानी ले लीजिए, तो इससे भी आपका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि सभी में गर्म पानी लेना होता है। हाँ, सभी में हल्का गर्म पानी यूज करना होता है, क्योंकि हल्का गर्म पानी लेने से आपका पेट दर्द, जो आपका खाना है, वो ऑटोमेटिक ही धीरे धीरे पचना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ कारण हैं अगर आपका पेट दर्द होता है तो उससे बचने के लिए, और उससे कुछ होम मेड रेमेडी हैं, आप सबसे पहले इनको यूज करें। मेडिसिन वगैरह आप बाद में लें, अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो आप मेडिसिन लें। और बच्चों में को मोस्टली आप अपने घर की किचन की जो चीज़ें हैं, होम मेड रेमेडी हैं, आप उन्हीं से सबसे पहले उनका इलाज करें। हम लोग अपने घर में बच्चों को सबसे पहले होम मेड रेमेडी ही देते हैं, और बाद में अगर नहीं ठीक होता है तो, अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर को दिखाएं। सबसे पहले आप अपने घर में होममेड रेमेडी ही यूज करें। तो
तो ये पहला मेरा वीडियो था स्टोमक पेन के ऊपर। तो मैं आपको बता दूँ, ये सब चीज़ें हम अपने घर में यूज करते हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और साथ में हमारे यहाँ आयुर्वेदिक डॉक्टर भी है, वो भी हमारे बच्चों को और हमको जब भी हम उसके पास जाते हैं तो वो होममेड रेमेडी हमको प्रिस्क्राइब करता है और इससे हमको बहुत फ़ायदा होता है। और ये सब चीज़ें मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप बच्चों को या मेडिसिन कम से कम यूज करें। तो मेडिसिन का आप सभी को पता रहता है कि मेडिसिन, अगर हम मेडिसिन लेते हैं तो कुछ ना कुछ उसका नुकसान ज़रूर होता है। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि क्यों नहीं, हम सबसे पहले अगर हमारा काम आराम से अपने किचन के सामान से चल रहा है तो हम क्यों बाहर जाके मेडिसिन लें। तो सबसे पहले हम अपने किचन की चीज़ों से ही अपना इलाज करें। और आगे मैं और भी ऐसे वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि अगर हमारे अंदर कुछ, हमारी बॉडी में अगर कुछ ऐसे छोटी मोटी बीमारी होती हैं जो ठीक हो सकती है होममेड रेमेडी से, तो हम क्यों ना उनको उनसे ठीक करें। और अगर बड़ी प्रॉब्लम हो तो हम डॉक्टर के पास जाएं। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।